नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजू बाबा इन्फोटेक पर। मैं विजय धाकड़ आप सभी के लिए लाता रहता हूँ खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ, जिसमें मंडी भाव भी रहता है शामिल। किसान भाइयों, आज जो है एक MP में जो किसानों को बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, वह झटका जो आपको पता चल चुका होगा कि जो बॉर्डर सील हो चुके हैं, भारत से जो माल निर्यात हो रहा था जैसे कि बांग्लादेश, UAE, श्रीलंका और मलेशिया, यहाँ पर जो है निर्यात बंद हो चुका है, बॉर्डर सील हो चुके हैं। इसके पीछे क्या कारण है, यह जो है हर एक चीज़ यहाँ पर हमें समझ के चलना पड़ेगा, और ये बॉर्डर कितने दिन तक यहाँ पर बंद रह सकते हैं, तो इस वीडियो में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, पहले हम देख लेते हैं कि इंदौर मंडी में जो है प्याज अभी तक कहाँ तक बिक चुका है। तो किसान भाइयों, अभी तक सुपर क्वालिटी माल 2900 की बोली लग चुकी है, और आज फाइनली 2 रुपये की 3 रुपये की यहाँ पर हमें नरमी देखने को मिली है। गोल्टी माल पे ज़्यादा यहाँ पर आज असर देखने को मिला है। गोल्टी माल कल 22 रुपये बिका था, वही माल आज 18 रुपये तक आ चुका है। वहीं सुपर माल में ज़्यादा यहाँ पर हमें डिफरेंट देखने को नहीं मिला है। किसान भाइयों, अभी वर्तमान में जो है निर्यात पर रोक लग चुकी है, और भारत से जो है जहाँ पर बांग्लादेश और UAE, मलेशिया वगैरह जो प्याज जा रहा था उसको बंद कर दिया है। इसके जो है विपक्ष में हमारे व्यापारी बंधु काफ़ी विद्रोह में हैं, और इस समय उनमें ज़्यादा आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने लगातार जो है अपने अपने हिसाब से संपर्क जो है आज़ादपुर मंडी, जहाँ से दिल्ली से जो रोक लगी है वहाँ पर जो है उन्होंने अपने संपर्क किया है, और जो हड़ताल करने की वो मांग कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम अवश्य हड़ताल करेंगे और जो माल की खरीदी बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। तो किसान भाइयों, मेरा अनुमान जहाँ तक है कि यहाँ जहाँ तक अगर होगा वहाँ तक बॉर्डर खुलने के चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं, तभी हमारा कुछ ज़्यादा यहाँ पर हमें ये फ़ायदा देखने को मिल सकता है। बाकी जो अगर एवरेज हम मान लें तो यहाँ पर प्याज में हमें अब ज़्यादा इससे ज़्यादा नरमी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि प्याज मार्केट में है नहीं और पूरा प्याज जो है ख़राब हो चुका है, और आने वाले 2 महीने के अंतर्गत हमें यहाँ पर कोई भी प्याज की कंडीशन नहीं लग रही है। तो किसान भाइयों, आप निश्चिंत रहे, बड़े माल पर यहाँ पर कोई भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिला है, जबकि गोल्टी माल में थोड़ी सी हमें यहाँ पर नरमी देखने को आज मिली है। तो किसान भाइयों, हम फाइनल रिपोर्ट देंगे 3 बजे, जिसमें मंडी भाव इंदौर रहेगा, और उसमें बदनावर मंडी को भी हम शामिल करेंगे। तो अभी वहाँ से हमारे पास रिपोर्ट आई नहीं है। तो अभी तक जो है इंदौर में जो बोली है 2900 तक लग चुकी है, और भी आगे भी अगर कुछ ऊंचा नीचा होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना सही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।